हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इजी फिजिक्स। जैसा कि आपको पता है कि हम CBSE बोर्ड क्लास 10th लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले मैंने 3 पार्ट में और वीडियो बनाया है जिसमें हमने लाइट के बारे में, लाइट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में और रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा है। अब उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे और हम पढ़ेंगे प्लेन मिरर के बारे में। जैसे रिफ्लेक्शन में प्लेन मिरर आया था ना, तो प्लेन मिरर क्या होता है, तो सिंपली ग्लास का बना होता है, आपने देखा भी होगा, और एक तरफ एक साइड में वो क्या होता है, कलर होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर ना। जब एक पार्ट में इसके कलर कर देंगे तो हम उसको मिरर बोलते हैं, ठीक है ना। तो प्लेन मिरर बेसिकली क्या करता है, ये इमेज फॉर्म करता है। क्या करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट इसके फ्रंट में रखेंगे तो ये उसका इमेज फॉर्म करेगा। अब फ्रंट का मतलब इधर कलर पार्ट इधर है, इधर ऑब्जेक्ट को कभी नहीं रखते हैं, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट को हमेशा जिधर कलर पार्ट नहीं होता है उधर रखते हैं ना। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। लाइट इधर से आएगी और इधर से रिफ्लेक्ट होकर वापस इधर चली जाएगी, लाइट इधर से कभी नहीं आएगी ना। तो ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखिए, सपोज करिए कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। अब लाइट इससे आएगी, इसको क्यों रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं, कि लाइट इससे इस पे इंसिडेंट होने के बाद, इससे टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होगी। लाइट इधर से थोड़े आएगी, लाइट कभी किधर से आएगी, ऑब्जेक्ट से चलती है, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं कि ऑब्जेक्ट लाइट इमिट कर रहा है ना, लाइट इधर से कहीं से इधर से आ रही है तो इस ऑब्जेक्ट से होती हुई वो इधर जाएगी, ठीक है ना। तो हम दो रेज ले लेंगे, एक रेज सपोज करिए हम ऐसे ले लिए। रेज क्या होता है इसके बारे में पढ़े हैं ना, स्ट्रेट लाइन पाथ को रेज कहते हैं ना। और एक रेज आप ऐसे ले लीजिए, ठीक है ना, दो रेज हमने ले लिया। ये बताइए बिल्कुल ये स्ट्रेट है तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे जाएगी कि नहीं जाएगी, ये हाँ ये ऐसे जाएगी। और ये वाली रेज देखिए थोड़ी सी इंक्लाइंड है तो रिफ्लेक्ट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी ना। मान लीजिए इसका नॉर्मल यहाँ पर है तो कैसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, होगी कि नहीं होगी। यहाँ से ऐसे नॉर्मल ड्रा करिए इसका, तो ये ऐसे आएगी और ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है ना। अब इसका इमेज कैसे बनेगा, देखिए ये लाइट जो गई है और रिफ्लेक्ट होके इधर गई है ना, इसको पीछे की तरफ बढ़ाइए, वर्चुअली किधर बढ़ाइए, वर्चुअली पीछे की तरफ ऐसे बढ़ाइए, बढ़ा दिए। और ये लाइट रे ऐसे आई है और रिफ्लेक्ट होने के बाद इधर गई है ना, तो इसको वर्चुअली पीछे की तरफ आप बढ़ाइए। दोनों जहाँ पे जाकर मीट करेंगी, जहाँ पे जाकर मिलेंगी, इस ऑब्जेक्ट का इमेज भी वहीं पर बनेगा। इसका इमेज कैसे बनेगा, ठीक है ना, बिल्कुल उतना ही बड़ा और उसी टाइप का। लेकिन हाँ, और एक पार्ट, एक बात ये भी, ये जो इमेज है ये वर्चुअल है, क्यों, क्योंकि लाइट रेस क्या इधर आई है, नहीं आई है, वो तो रिफ्लेक्ट होकर इधर चली गई है, लेकिन हमने उसको वर्चुअली पीछे की तरफ डॉटेड लाइन से बनाया है। तो जो इमेज यहाँ पर होगा वो वर्चुअल इमेज होगा। अगर लाइट रेस इससे इधर आ जाती और ये भी इधर आ जाती कम्प्लीटली और तब मिलती, तब रियल इमेज होता है वहाँ पर, ठीक है ना। लेकिन राइट ले इधर तो आई नहीं है, हमने सिर्फ वर्चुअली पीछे की तरफ बढ़ाया है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज। जैसे कि यह देखिए, इधर हम समझा रहे हैं, जैसे कि ये कोई लेंस है, लेंस तो अभी पढ़े नहीं है, लेकिन समझ लीजिए किसको रियल इमेज कहेंगे, किसको वर्चुअल इमेज कहेंगे। ये सपोज करिए कॉनकेव लेंस है, ठीक है ना, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है, ठीक है ना, इससे एक लाइट रे लाइए, तो लेंस तो कलर का ही है ना, लाइट तो इधर इसके थ्रू वापस उधर चली जाएगी अदर साइड में, क्योंकि लाइट ग्लास में इंटर करता है कि नहीं करता है, ठीक है ना। तो ग्लास में इंटर करेगा लाइट, शीशे में इंटर करता है कि नहीं लाइट, और उस तरफ भी चला जाएगा, क्योंकि पार्ट कोई कलर तो है नहीं कि लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगा ना। तो ये कॉनकेव मिरर है, ये लाइट को डाइवर्ज करता है, क्या करता है, डाइवर्ज करता है, लाइट ऐसे चली जाएगी, ठीक है ना। और एक लाइट रे आप ऐसे ले लीजिए, ठीक है ना, मान लीजिए ये ऑप्टिकल सेंटर है ना, तो वो सीधा निकल जाएगी, ठीक है ना, बिल्कुल ही सेंटर में। अब देखिए यहाँ पर भी लाइट रेज मिल नहीं रही ना, तो यहाँ पर भी ऐसे वर्चुअली आप पीछे की तरफ क्या करिए, बढ़ाइए, ठीक है ना। इसको भी वर्चुअली ऐसे पीछे की तरफ बढ़ाइए, तो कहाँ पर इमेज बनेगा, यहाँ पर कहीं बन रहा है, ठीक है ना, ये भी वर्चुअल इमेज है। एक और रियल इमेज कहाँ पर होगा, देखिए कॉनकेव लेंस ले लीजिए, कॉन्वेक्स लेंस ले लीजिए, इसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है ना। अब ऑब्जेक्ट को आप रखिए यहाँ पर, इसके बीच से एक लाइन ड्रा कर दिए, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है ना, एक ऑब्जेक्ट को ऐसे रखिए। अब इससे एक रेज निकालिए ना, ये थोड़ा, अब कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, लाइट को बेंड करता है ऐसे, ठीक है ना, ये ऐसे गया। और एक और रेज ले लीजिए,
ठीक है ना, यहाँ से, ठीक है ना, एक रे ऐसे ले लीजिए। तो ये सपोज करिए यहाँ पर जाकर मिल रहे हैं, कहाँ पर, यहाँ पर जाकर मिल रहे हैं, यहाँ पे किनारे, ठीक है ना। तो इसका इमेज यहाँ बनेगा, ठीक है ना, उल्टा बनेगा, कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है ना। और ये क्या है, रियल इमेज है, क्योंकि लाइट रेज एक्चुअली दूसरी तरफ गई हैं और वहाँ पर मिली हैं। तो यहाँ पर क्या बनेगा, इसका रियल इमेज, और ये उल्टा है। देखिए ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है लेकिन उसका इमेज उल्टा बन रहा है इस एक्सिस के नीचे, ठीक है ना। उसी केस में इसको देखिए, ये प्लेन मिरर है, लाइट रेज एक्चुअली इधर नहीं गई है ना, तो यहाँ पर वर्चुअल इमेज, इसको वर्चुअल इमेज और इसको रियल इमेज कहते हैं। जो यहाँ पे कॉनकेव के केस में, तो यहाँ भी तो वर्चुअल इमेज बना था, ठीक है ना, और यहाँ पर क्या बना था, रियल इमेज बना है यहाँ पर। देखिए तो प्लेन मिरर के बारे में पढ़ रहे थे बेसिकली, ठीक है ना। तो ये प्लेन मिरर है, ठीक है ना, एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रख दिए, दो लाइट रेज ले लिए, एक ऐसे ले लिए स्ट्रेट, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद इधर चली जाएगी, और एक थोड़ा सा इंक्लाइन ले लिए, रिफ्लेक्ट होने के बाद इधर चले, इन दोनों रेज को देखिए, इमेज वहां बनता है जहां पे रेज एक्चुअली मिलती है, ठीक है ना। तो इसको वर्चुअली पीछे की तरफ क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, और इसको बढ़ाएंगे ना, तो जहां पर ये मिलेंगी वहां पर इमेज बनेगा। ये जो इमेज बने हैं इसके कुछ प्रॉपर्टी होता है, ठीक है ना, वही अब इसमें पढ़ेंगे। क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, जिस तरह ऑब्जेक्ट आप रखे हैं सीधा, देखिए इसका फ्रंट ऊपर है ना हेड, और ये लोअर साइड नीचे है, तो इमेज में भी देखिए इसका फ्रंट ऊपर है ना हेड, और ये लेग इसका लोअर साइड क्या है, नीचे है। तो प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है वो क्या होता है, फ्रंट अप साइड होता है, और डाउन साइड होता है। मतलब अगर पेन को मैंने ऐसे रखा, ठीक है ना, तो इसका इमेज भी कैसे बनेगा, ऐसे, ठीक है ना। उल्टा कब बनेगा इमेज, पेन को ऐसे रखा कब कहेंगे, उल्टा है, इन्वर्टेड है। पेन को मैंने ऐसे रखा और इसका इमेज कैसे बने, ऐसे पेन उल्टा हो जाए, ठीक है ना। अगर इमेज ऐसे बन, कहेंगे इमेज इन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। और इमेज अप साइड अप है, डाउन साइड डाउन है। मतलब इमेज ऐसे रखें ऑब्जेक्ट को सीधा, तो इमेज भी उसका सीधा बने, ठीक है ना। ये पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होता है इमेज भी उतना क्या होता है, बड़ा होता है, प्लेन मिरर के केस में, ठीक है ना। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा क्या होगा, इमेज होगा। तीसरा चीज क्या है, हाँ, इमेज वर्चुअल है क्योंकि रेज एक्चुअली मिली नहीं है। और एक और प्रॉपर्टी होता है कि लेफ्ट का राइट हो जाता है, राइट का लेफ्ट हो जाता है। कभी आप शीशे के सामने खड़े होइएगा, ठीक है ना, आप लोग आईना देखते ही हैं, आप देखिएगा आपका लेफ्ट हैंड राइट में चला जाएगा, राइट हैंड लेफ्ट में चला जाएगा। इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन, ठीक है ना। तो इसी को हम लिखेंगे, अब लिख के प्रैक्टिस करेंगे। तो आप हेडिंग डाल लीजिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाई प्लेन मिरर, ठीक है ना। इसको प्लेन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाई प्लेन मिरर, तो इस मिरर का नेम भी लिख सकते हैं आप चाहे तो, ए बी, ठीक है ना। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, सबसे पहला कि इमेज वर्चुअल होता है, क्या होता है, आप ऐसे लिख सकते हैं फर्स्ट, क्या होता है, द इमेज ऑफ अ रियल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो रियल है, कोई ना कोई चीज तो रखे ही है हम, द इमेज ऑफ ए रियल ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। रियल ऑब्जेक्ट कहने का मतलब क्या है, प्लेन मिरर के सामने आप कुछ ना कुछ तो रखेंगे, कोई भूत प्रेत तो होगा नहीं, कोई इंसान ही होगा या कोई ऑब्जेक्ट होगा, पेन हो सकता है, पेंसिल हो सकता है। द इमेज ऑफ ए रियल ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज ऑलवेज वर्चुअल। ये कॉन्वे कॉन, ये लेंस है, इसको मत बना लीजिएगा, ये समझाने के लिए, चाहे तो साइड में बना सकते हैं। तो इमेज या फिर रियल ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज वर्चुअल, इमेज वर्चुअल होता है। दूसरा, इरेक्ट होता है, इरेक्ट कहने का मतलब सीधा, अप साइड अप है, देखिए हेड उसका अप है, और डाउन साइड क्या है, डाउन है। तो क्या लिखेंगे, द इमेज फॉर्म्ड बाई अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज इरेक्ट, मतलब सीधा,
इरेक्ट, दैट इज अपसाइड ऑफ द इमेज इज अपसाइड, मतलब ऊपर का हिस्सा ऊपर ही रहता है, एंड डाउन साइड ऑफ द इमेज इज डाउन साइड। समझ में आया? इमेज जो प्लेन मिरर बनाता है वो इरेक्ट होता है, ऊपर का ऊपर रहता है, नीचे का नीचे रहता है। तीसरा कैरेक्टर आपसे एग्जाम में ऐसे ही पूछेगा, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर। प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है, इस इमेज के क्या लक्षण होते हैं ना, क्या कैरेक्टर होते हैं, तो दो लिख लिए। तीसरा देखिए, इमेज का साइज सेम होता है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रखेंगे उतना ही बड़ा इमेज बनेगा। 5 मीटर का ऑब्जेक्ट है तो 5 मीटर का इमेज बनेगा। क्या लिखेंगे? द साइज ऑफ इमेज, द साइज ऑफ इमेज इज सेम एज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जिस साइज का ऑब्जेक्ट होगा उसी साइज का इमेज बनेगा, ठीक है ना। अगला प्रॉपर्टी, एक और प्रॉपर्टी होता है, मिरर से आप जितनी दूर ऑब्जेक्ट को रखे हैं ना, मान लीजिए कि 2 मीटर पे रखे हैं, तो इमेज भी कितनी दूर बनेगा पीछे दूसरे हिस्से में, 2 मीटर बनेगा। डिस्टेंस थोड़ा सा आपको बड़ा छोटा लग रहा है लेकिन ये सेम होता है ना। मिरर के सामने जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखे हैं ना, उतनी ही दूर पीछे इमेज बनेगा। देख रहे हैं ना, ये मिरर है, ये मिरर है, मिरर से यहाँ से डिस्टेंस नापिए, नापिए 2 मीटर पर ये रखा है, तो ये ऑब्जेक्ट भी इधर कितने मीटर पर बनेगा, 2 मीटर पे ही बनेगा, ठीक है ना। तो मिरर के सामने जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखे हैं, मिरर के पीछे उतनी ही दूरी पर इमेज बनेगा उसका। तो लिखेंगे द इमेज फॉर्म्ड by a plane mirror, the image formed by a plane mirror is as far behind the mirror, मतलब मिरर के पीछे वो उतनी ही दूर होगा, As the object is in front of it, जितनी दूर सामने ऑब्जेक्ट को रखे है ना, the image formed by a plane mirror is as far behind the mirror as the object is in front of it, ना। image mirror के पीछे उतनी ही दूर बनेगा जितनी दूर ऑब्जेक्ट सामने रखे हैं, वही वाला ना, जितनी दूर ऑब्जेक्ट को सामने रखें उतनी ही दूर पीछे इमेज बनेगा। अगला कैरेक्टर बताया कि इमेज का लेटरल इन्वर्जन हो जाता है, ठीक है ना। मतलब आप कभी मिरर के सामने खड़े होइएगा, आपका लेफ्ट साइड राइट में चला जाएगा और राइट साइड लेफ्ट में, मतलब लेफ्ट हैंड राइट में दिखेगा, राइट हैंड उसी तरह लेफ्ट आई आपकी राइट आई बन जाएगी इमेज में, और राइट आई लेफ्ट आई बन जाएगा, ठीक है ना। तो 5वां कैरेक्टर लिख सकते हैं, the image formed by a plane mirror is laterally inverted, ठीक है ना। आप लिख सकते हैं that is, इसका क्या मतलब है, that is left side of the object, left side of the object becomes the right side। क्यों? ऑब्जेक्ट का लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा इमेज में, एंड
द राइट साइड, द राइट साइड बिकम्स लेफ्ट साइड, द राइट साइड बिकम्स लेफ्ट साइड। समझ में आया ना? तो यही पांचों कैरेक्टर होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा ना, लिख के जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा ये। तो क्या पढ़े हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है? सिंपली एक ग्लास ले लीजिए, शीशा, एक तरफ आप कलर कर लीजिए ना, वो प्लेन होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, ठीक है ना, वो प्लेन मिरर बनाएगा। उसके सामने आप एक ऑब्जेक्ट को खड़ा करिए तो उसका एक इमेज पीछे की तरफ बनेगा जो कि वर्चुअल होगा, ठीक है ना। वर्चुअल इमेज बताएं किसको कहते हैं? जब लाइट रेज एक्चुअली मिलती हैं तो वो रियल इमेज होता है, और जब वर्चुअली मिलती है तो वर्चुअल इमेज होता है। तो यहाँ पर जो इमेज बनाया है वो वर्चुअल है, क्योंकि एक्चुअली लाइट रेज पीछे गई ही नहीं है, हमने तो डॉटेड लाइन से बनाया है, ठीक है ना। जो रिफ्लेक्ट होने के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे होगी उसी को पीछे की तरफ बढ़ाते हैं ना। ये जो रे आई है इसको पीछे की तरफ मत बनाइएगा, ये आकर टकराने के बाद जहां गया है उसको पीछे की तरफ करते हैं ना, वो जहां पर मिलती है वहां पर इमेज बनता है, ठीक है ना। तो क्या क्या कैरेक्टर हम पढ़े हैं? द इमेज ऑफ ए रियल ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल, ऑब्जेक्ट तो रियल है उसका इमेज वर्चुअल है। दूसरा, द इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर इज ऑलवेज इरेक्ट, इमेज सीधा होता है, देख रहे हैं ना, अप साइड अप है, डाउन साइड डाउन है, यही लिखे हैं इसमें। द साइज ऑफ इमेज इज सेम एज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रखेंगे उतना ही बड़ा इमेज बनेगा, 2 मीटर लंबा ऑब्जेक्ट है तो 2 मीटर ही उसका इमेज बनेगा। तीसरा, द इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द फ्रंट, एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट, मिरर के सामने जितनी दूर ऑब्जेक्ट रखेंगे मिरर के पीछे उतनी ही दूर इमेज बनेगा उसका। और चौथा कि लेटरल इन्वर्जन हो जाता है, लेफ्ट का राइट हो जाता है, राइट का लेफ्ट हो जाता है। मिरर के सामने खड़ा होकर देखिएगा, आपका लेफ्ट साइड राइट हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे देखिए ऐसे ऐसे रखें ऑब्जेक्ट को, ठीक है ना, ऐसे, तो उसका इमेज कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, ठीक है ना, लेफ्ट का लेफ्ट हो जाएगा, राइट का राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर, ठीक है ना। रियल इमेज किसको कहते हैं? हम ये भी बताए थे, कोई लेंस है उससे आप लाइट को, इसको रिफ्रैक्ट, लाइट का रिफ्रैक्शन कहते हैं। देखिए ये रिफ्लेक्ट कर रहा है लाइट, और ये रिफ्रैक्ट कर रहा है। चैप्टर का नाम हम क्या बताए थे? लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो दो चीज पढ़ना है लाइट का फिनोमेना, एक रिफ्लेक्शन और एक रिफ्रैक्शन। तो लेंस जो होता है रिफ्रैक्ट करता है लाइट को, ठीक है ना। लाइट कंप्लीटली इसके आर पार चली जाती है, इसको रिफ्रैक्शन कहते हैं। लाइट बेंड हुई कि नहीं हुई थोड़ा सा, इसी को रिफ्रैक्शन कहते हैं, लाइट के बेंड होने को, ठीक है ना, रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पर रियल इमेज बना है, दो लाइट रेज जाके एक्चुअली मिली है, ठीक है ना, एक्चुअली ना, वर्चुअली नहीं, और यहाँ पर इस केस में वर्चुअली मिली है, देखिए, ठीक है ना। तो वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ जितना भी हो सकेगा इसको शेयर करिएगा, ठीक है ना, जिससे मुझे और मोटिवेशन मिलेगा और मैं और ये ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा। तो इसका अगला पार्ट भी आएगा, आप तब तक इसको वॉच करिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए ना, लिख के जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए ना, इससे आपको लंबे समय तक ये याद रहेगा, ठीक है ना। तो इसका सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिएगा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर, और ये फिगर बना लीजिएगा, और इसकी पांचों कैरेक्टरिस्टिक बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया है, ठीक है ना, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने फ्रेंड के साथ इसको अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। थैंक यू।